आप सर की बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूं या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे, कि हाउ टू चेंज आवर आईज कलर, यानी क्या हम लोग अपनी आंखों के कलर को बदल सकते हैं, स्पेसिफिकली स्पीकिंग क्या हम लोग अपनी आंखों के कलर को ब्लू कर सकते हैं। सो योर आंसर इज ऑफ कोर्स यस। फॉर इंस्टेंस, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो वो सबसे पहले हमारी फिजिक में हमारे फेस को नोटिस करता है, और फेस में भी स्पेसिफिकली हमारी आईज को। इन केस आपकी आईज का कलर अनकॉमन है, यानी आपके आईज का कलर हेजल है, लाइट ग्रीन है या फिर ब्लू कलर है, देन योर इंप्रेशन लीव्स अ मार्क। आपकी अट्रैक्टिवनेस फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये अनकॉमन आई कलर आपकी फेशियल ब्यूटी को इंक्रीज करता है और आपके चार्म को एनहेंस करता है। सामने वाला बंदा या बंदी आपको बस देखते रह जाते हैं, उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है, हाउ टू गेट दिस आई कलर। देयरफॉर लेट्स ब्रेक डाउन द एबीसीज ऑन हाउ टू चेंज आवर आई कलर। नाउ अकॉर्डिंग टू साइंस, देयर इज अ कलरिंग कंपाउंड इन आवर बॉडी नेम्ड मेलानिन, और ये मेलानिन ही होता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कलर्स आते हैं, नेमली स्किन के अंदर, हेयर के अंदर और हमारी आईज के अंदर। सो टू चेंज आवर आईज कलर, ऑल यू हैव टू डू इज मैनिपुलेट द बेस लेवल ऑफ दिस मेलानिन प्रेजेंट इन आवर रेटिना। हियर द बेस लेवल ऑफ मेलानिन प्रेजेंट इन आवर बॉडी वेराइज विद एज, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो मेलानिन प्रेजेंट है वो हमारी उम्र के साथ बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे होते हैं तब मेलानिन लेवल्स अपने मिनिमम पे होते हैं, और जब हम जवान होते हैं तब मेलानिन लेवल्स अपने पीक के ऊपर होते हैं, जस्ट लाइक एवरी सिंगल हार्मोन इन आवर बॉडी। और वैसे ही जब हम बूढ़े होने लगते हैं तब मेलानिन लेवल्स धीरे धीरे करके वापस से मिनिमम पे आ जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन बुजुर्ग लोगों के बाल सफेद होने लग जाते हैं, एंड सेम गोज विद देयर आईज। आपने नोटिस किया होगा कि बुजुर्ग लोगों की आंखें ज्यादातर हल्के कलर्स की होती है, लाइक लाइट ब्राउन हेज एंड लाइट ग्रीन कलर। इन ऑर्डर टू चेंज आवर आईज कलर टू अ अनकॉमन आई कलर, हमें अपनी आंखों के अंदर जो बेस मेलानिन लेवल है उसे कम करना होगा। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 नेचुरल टिप्स विच आर साइंटिफिकली प्रूवन टू चेंज योर आई कलर्स इन 7 डेज, जिसके रिजल्ट्स आपको ओनली 2 डेज के अंदर मिलने लग जाएंगे। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो 3 नेत्रा फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, एंड बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। बाय फॉलोइंग दिस टिप्स आपकी आईज का कलर चेंज होगा, इन द सेंस अगर आपकी आई का कलर अभी ब्लैक है तब वो चेंज होकर के हेज या फिर लाइट ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस, अगर आपका आईज का कलर ब्राउन है तब वो कन्वर्ट होकर ब्लू या ब्लू के किसी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। आई कलर चेंज करने की हमारी फर्स्ट टिप आती है हनी वाटर आई ड्रॉप्स। शहद यानी हनी इज लोडेड विद बेनिफिट्स, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गट हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इतना ही नहीं, हमारे आयुर्वेद के अंदर शहद का इस्तेमाल सदियों से अलग अलग बीमारी के इलाज में किया जा रहा है। इन दिस केस ऑफ आई कलर चेंजिंग, कुछ साल पहले हुए भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर पता चला था कि हनी हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस मेलानिन लेवल्स होता है उसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तभी तो इजिप्ट के अंदर जब लोग शहद के पानी से अपने बाल धोया करते थे तब ओवर टाइम उनके बाल गोल्डन कलर के हो जाते थे, यानी उनके बालों में जो मेलानिन होता है, जो कलर होता था, वो फेड हो जाता था। सो हम लोग को इस शहद की प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, जिससे कि हम अपने आई के कलर को चेंज कर सके। फॉर दिस पर्पस ऑल वी हैव टू डू इज प्रिपेयर हनी वाटर, यानी शहद का पानी। अब जान लो हाउ टू प्रिपेयर हनी वाटर सेफली। आपको सबसे पहले 1 ग्लास ड्रिंकिंग वाटर लेना है, यानी 200 ml ऑफ नॉर्मल रूम टेम्परेचर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड क्लियर वाटर लेना है। उसके अंदर आपको सेकेंड स्टेप है, 1 टीस्पून ऑफ हनी ऐड करना है, मिलाना है। 1 टीस्पून मतलब एक छोटी चम्मच शहद की डालनी है, उसे मिला लेना है। जब वो अच्छे से मिल जाए तब आपको एक ड्रॉपर लेना है, आई ड्रॉपर। अगर आपके पास इनकेस आई ड्रॉपर नहीं है तो आप किसी भी हार्डवेयर के दुकान पे जाओगे तो आपको ड्रॉपर बोलने से वो ड्रॉपर दे देगा, आप उसका यूज भी कर सकते हो। नाउ हाउ टू स्टोर दिस वाटर, आप क्या तो उसको ड्रॉपर के अंदर भर के रख लो। अगर ड्रॉपर नहीं मिला है, हार्डवेयर वाला ड्रॉपर लिए हो, तब आपको उसको फ्रीज में रख कर रखना होगा। नाउ दोनों ही केसेस के अंदर आपको उसको फ्रीज में स्टोर करके रखना है ठंडी जगह पे। ये 7 दिन तक असर करता है, उसके बाद इसका असर फेड हो जाता है। सो 7 दिन तक ये पानी अच्छे से काम करेगा।
नाउ हाउ टू यूज हनी वाटर टू चेंज आवर आईज कलर। हमें हनी वाटर दिन में दो बार यूज करना है, एक बार सुबह उठ करके और एक बार रात को सोने से पहले। आपको अपनी दोनों आंखों के अंदर हनी वाटर के दो दो ड्रॉप्स डालने हैं ईच आई और सो जाना है। नाउ हाउ डज हनी वाटर वर्क्स। जब हम लोग हनी वाटर आई ड्रॉप यूज करेंगे तब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी आईज के अंदर हल्की सी जलन पैदा करेगा, बिकॉज ये हमारी आईज के अंदर जितना भी टॉक्सिन है, डस्ट एंड बैक्टीरिया है, उसको एलिमिनेट करेगा, उसको बाहर निकालेगा, जिससे आंखों से थोड़ा पानी आएगा। सेकेंड, इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है हनी वाटर की, वो हमारे आई के रेटिना में प्रेजेंट बेस मेलानिन लेवल को अफेक्ट करती है। इन केस आपका अगर बेस मेलानिन लेवल बढ़ा हुआ है तब ये उस मेलानिन लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे आपका आई कलर फर्स्ट डे से चेंज होने लग जाता है। इन माय केस मेरा पर्सनली डार्क ब्राउन आई कलर था, जब मैंने इसे यूज किया तो सेकेंड डे के अंदर मेरा आई कलर गोल्डन ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ अ डेज आफ्टर यूजिंग इट फॉर सेवरल मंथ्स मेरे आई कलर के अंदर ब्लूइश फ्लेक्स आ रहे हैं, मतलब मेरी आंखें धीरे धीरे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रही है। सो सेम थिंग विल हैपन विथ यू, हैव पेशेंस। नाउ इज इट सेफ फॉर आईज? इन केस आपके आंखों के अंदर कोई फोड़ा फुंसी हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, तब हनी वाटर आपको जरूर यूज करना है, एज इसके अंदर एंटीसेप्टिक यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे आंखों के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है और हमारी आंखों की विजन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको किसी ने पंच मारा था, उसका दाग नहीं जा रहा है, तब भी हनी वाटर आपके उस दाग को हटाने में काफी ज्यादा फायदा करेगा। इन माई पर्सनल केस, मेरे छोटे भाई को किसी ने पंच मारा था और मैंने ये यूज किया और विद इन 2 वीक्स उसके आंखों का दाग गायब हो गया। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा हनी यूज करूं, इन दैट केस मैं आपको रियल हनी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आई कलर चेंज करने की हमारी सेकेंड टिप आती है यूज ऑफ विटामिन सी। अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी इंक्लूड करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी स्किन को फेयर करता है बाय रिमूविंग द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम आवर स्किन। हमारी आईसाइट को इंप्रूव करता है बाय रिमूविंग द एक्सेस मेलानिन डिपोजिशन इन आवर रेटिना। और साथ ही साथ ये हमारे गट हेल्थ, हार्ट हेल्थ और हमारे लीवर के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है ड्यू टू इट्स विटामिन कॉन्टेंट। हियर विटामिन सी खाने से जो हमारी आईज के अंदर एक्सेस मेलानिन डिपोजिशन है, ये उसे डाइल्यूट करता है, यानी उनको अलग अलग कर देता है, हल्का कर देता है, फेड अवे कर देता है, जिससे हमारी आई का कलर बहुत जल्दी चेंज होने लग जाता है। और इतना ही नहीं, विटामिन सी मेलानिन के साथ रिएक्ट करके ब्लू पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है, यानी ब्लू कलर बनाता है। देयरफॉर अगर आपको ब्लू आईज चाहिए तो विटामिन सी इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। अब जान लो आपको विटामिन सी लेना कब है और कैसे लेना है। आपको एवरीडे ब्रेकफास्ट के साथ एक कैप्सूल विटामिन सी की लेनी है। इससे ये हमारे मेलानिन लेवल को अच्छे से डाइल्यूट कर पाएगा और साथ ही साथ ब्लू पिगमेंटेशन को भी बना पाएगा। इन केस आप विटामिन सी कैप्सूल ट्राई करना चाहते हो तो मैं उन्हें खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आई कलर चेंज करने की हमारी थर्ड टिप आती है यूज ऑफ क्लोरोफिल। इन केस जिनको पता नहीं है व्हाट इज क्लोरोफिल, तब मैं थोड़ा सा इलेबरेट करना चाहूंगा। क्लोरोफिल इज अ कलरिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरे सब्जी और साग के अंदर जो ग्रीन कलर होता है उस कलर का साइंटिफिक नेम है क्लोरोफिल। इन केस आपकी आईसाइट कमजोर हो गई है या फिर आपकी आंखों पे चश्मा आ गया है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वन ऑफ विच कुड बी एक्सेस मेलानिन डिपोजिशन इन योर आईज। इससे होता क्या है, आपको पास की या फिर दूर की चीज धुंधी दिखने लग जाती है, यानी आपको ब्लर विजन हो जाता है। चश्मे के बिना आपको चीजें धुंधी दिखती है। सो इस चीज को ठीक करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज रिड्यूस द मेलानिन डिपोजिशन फ्रॉम द आईज। नेचुरली हमारी ह्यूमन बॉडी एक्सेस मेलानिन को कंज्यूम कर लेती है, बट इफ ड्यूरिंग एनी केस वो उसे अच्छे से नहीं कर पा रही या फिर स्लोली कर रही है, तब हरी सब्जियां खाना, स्पेसिफिकली धनिया यानी कोरिएंडर या फिर पालक स्पिनेच, इसे खाने से हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल के लेवल्स इंक्रीज होते हैं। एंड क्लोरोफिल एंड मेलानिन आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब अगर हमारी बॉडी में क्लोरोफिल हम डालेंगे तो एक्सेस मेलानिन लेवल्स कम हो जाएंगे। एंड सेम गोज विद आवर आईज। जब हम लोग हरी सब्जियां खाएंगे यानी क्लोरोफिल अपने बॉडी में डालेंगे, तब विद इन 1 वीक हमारी बॉडी के अंदर से एक्सेस मेलानिन लेवल कम हो जाएगा, अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, जिससे हमारी आई का जो कलर है वो स्लोली स्लोली चेंज होने लग जाएगा ओवर टाइम। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी डेली डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर ऐड करें, स्पेसिफिकली कोरिएंडर एंड स्पिनेच,
जिनको हिंदी में धनिया पालक बोलते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर आई साइट इंप्रूवमेंट की प्लेलिस्ट चल रही होगी और साथ ही साथ आई कलर चेंज करने की सेकेंड वीडियो चल रही होगी, आप वो देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।